काउंटर पे काउंटर आप कर रहे हैं, चाहे नेशनल हो चाहे राज्य हो, किस तरह आप कार्य करेंगे ताकि हर हमले का माकूल जवाब दे सके। बोले भाई शासन के साथ में थोड़ा शुरू करें। देखिए कांग्रेस के शासन में ध्वस्त कानून व्यवस्था, अपराधियों के बढ़ते हौसले, भ्रष्टाचार, लीक होते पेपर, इन सारी त्रासदियों से त्रस्त राजस्थान की जनता अब निर्णायक रूप से यह मन बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अगले विधानसभा चुनावों में निर्णायक जनादेश देकर हम सब भी इस विषय के लिए संकल्पित हैं कि राजस्थान की जनता को इस त्रासदी से मुक्ति देनी है। यह आवश्यक भी है कि यह विषय प्रभावी ढंग से, उपयुक्त ढंग से जन संवाद के भिन्न भिन्न माध्यमों में भी उपस्थित हो सके, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। तो इन संदर्भ में ही विचार करने के लिए, चूंकि अब उत्तरोत्तर राजस्थान में चुनाव का वातावरण सामने आता जा रहा है, तो इस संदर्भ में राजस्थान प्रदेश ने एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है, जिस संदर्भ में सभी 44 जनपदों से जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं उनसे लोग आए हैं और इस विषय पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे और फिर आगे की रणनीति वरिष्ठ नेताओं के दिशा निर्देश में तय करेंगे। क्या रहेगी रणनीति सुधांशु जी, क्योंकि लगातार मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए हमले हो रहे हैं, देखिए रणनीति की जहां तक बात करें तो चुनावी रण में कांग्रेस की कोई नीति ही नजर नहीं आ रही है। अभी भी स्थिति यह है कि वो हम पे आरोप की क्या बात करें, वहां तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप से ही वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान भारत की राजनीति का एक दुर्लभ प्रांत है। वो इस दृष्टि से दुर्लभ प्रांत है कि कोई पार्टी जिस व्यक्ति को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रही थी वो बागी खेमे में आ गया, अशोक गहलोत जी, आप सबको ध्यान होगा। और इतना ही नहीं, इतना विचित्र उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कि प्रदेश अध्यक्ष भी उसी बागी खेमे में माने जाने लगे, डोटासरा जी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी की भी गणना उसी बागी खेमे में होने लगी। माननीय, ऐसा उदाहरण आपको पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस सरकार की नीति क्या है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार ने 2019 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो सिडिशन का लॉ है, देशद्रोह का कानून, वो निरस्त कर देंगे क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में जो नया प्रस्तावित कानून गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है तो उसमें उन्होंने इस धारा को हटाने की बात कही। मगर उल्लेखनीय बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी सरकार ने सबसे पहले प्रयोग किया उस देशद्रोह के कानून को, तो वो राजस्थान की गहलोत जी की सरकार थी। और किसके विरुद्ध प्रयोग किया? अपराधियों के विरुद्ध नहीं, आतंकवादियों के विरुद्ध नहीं, वो सरतन से जुदा वालों के विरुद्ध नहीं, अपनी सरकार के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इतने अविश्वास और अंतर विरोध से भरी हुई सरकार के ऊपर राजस्थान की जनता कतई विश्वास नहीं करती। मुख्यमंत्री जी लगातार कहते आ रहे हैं कि राजस्थान के जो प्रदेश के नेता हैं वो हथियार डाल चुके हैं, केंद्र के नेताओं को आना पड़ रहा है, क्या यही वजह है कि केंद्र के नेता? मैं कहना चाहूंगा पहले वो अपनी पार्टी में देखें एक दूसरे के खिलाफ हथियार लेके लोग कितने खड़े हुए हैं। जंग 2023 की है और मुख्यमंत्री बार बार 2030 का विजन तैयार है और अभी से उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी का क्या स्टैंड है कि बीजेपी क्या कर? देखिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोलने का प्रयास करें परंतु जिस विजन की बात करें वो विजन पूरी तरीके से ब्लर्ड है। मैं एक बात दुख और करुणा के साथ भी कहता हूं, मेरा राजस्थान में बहुत आना रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव से लेकर 19 में मैं लोकसभा में सहप्रभारी भी था, इससे पूर्व में भी अनेक बार राजस्थान आया। राजस्थान की छवि कभी कानून व्यवस्था को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी आज हो गई है। राजस्थान की छवि कभी सांप्रदायिक वातावरण को लेकर ऐसी नहीं थी जैसी कि आज हो गई है। आप कल्पना करिए, ये वो सरकार है जिसने PFI के ऊपर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि अब प्रतिबंधित संगठन है, उस पर प्रतिबंध से मात्र एक हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दे दी थी अलवर में। और आप सोचिए कि पूरे भारत में नारे लगे और उदयपुर में इस ढंग की घटना हो गई दुखद। मुझे लगता है कि आज विशेषकर महिलाओं के साथ जिस प्रकार के दुर्दांत अपराध हो रहे हैं, राजस्थान की ऐसी स्थिति नहीं थी। मुझे लगता है कि अगर मुख्यमंत्री जी को यह विजन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अपनी आंखों पर से वो चश्मा हटाएं और तब वो देखें कि यह विजन कितना खौफनाक और कितना दर्दनाक है राजस्थान की जनता के लिए।
मान्यवर, मैं सिर्फ ये विपक्ष से कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में पहले आरोप तय कर लें। एक तरफ तय करते हैं हमारे यहाँ सब कुछ एक है और दूसरी तरफ कहते हैं ग्रुपता नहीं, पहले आरोप तो तय कर लें। हाँ, यहां मैं जरूर कहना चाहूंगा कौन किस रूप में रहना चाहता है, यह तब समझ में आता जब अगला रूप बदलने लगे। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि भाई आपका गठबंधन यूपीए था तो यूपीए समाप्त हो गया क्या? जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अविश्वास मत पर बोला, क्या यूपीए का अंतिम संस्कार कर दिया आप लोगों ने? और अगर कर दिया तो क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, नाम बदलने की जरूरत उसी को पड़ती है जो या तो दिवालिया हो गया हो, तो कंपनी दिवालिया हो जाती है नाम बदलती है, या कुछ अपराध करता हो और किसी काले कारनामे से बचना चाहता हो तो कई बार नाम बदलता है। और नाम पर भी मैं एक विचित्र बात कहता हूं, ये तथा कथित INDA गठबंधन जो विपक्ष ने बनाया है, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, जिस दिन इसका नाम घोषित हुआ मैं कई टीवी डिबेट पे था और मैंने पूछा भाई इसका हिंदी में तो नाम बता दो, हमारे गठबंधन का नाम NDA है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। मान्यवर, प्रथम दिन तो गूगल देख के भी नहीं बता पाए कि नाम क्या है हिंदी में। इसका अर्थ यह है अंग्रेजों से शुरू हुई पार्टी, अंग्रेज के द्वारा बनाई गई पार्टी, अंग्रेजी मानसिकता की विरासत को ओढ़ी हुई पार्टी, आज भी आकर 21वीं सदी के 2023 में भी अपने गठबंधन के नाम की सोच और उसके एब्रीविएशन यानी संक्षिप्त नाम पर भी अंग्रेजी में ही आके टिकी है। आज भी आप उन लोगों से पूछे तो उन वो लोग बड़ी मुश्किल